याद रखो यार, एक ब्लैक बॉडी है। चलो ब्लैक बॉडी यार थर्मोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि काली है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी काली ही होती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी एट ए 227 डिग्री सेल्सियस रेडिएट हीट एट ए रेट ऑफ 7 कैलोरी पर सेकेंड एट ए टेम्परेचर चेंज कर दिया 700 द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड यूनिट सेम यूनिट में। अब देखो ये कहा क्या रहा है कि कोई ब्लैक बॉडी है। चलो मैंने मान लिया कि ये मेरी ब्लैक बॉडी है, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉडी है तो ये जो एनर्जी रेडिएट करती है इक्वल टू सिग्मा इमिसिविटी एरिया टाइम टी की पावर 4। एक्चुअली मैं हमेशा पूरा लिखता हूँ यार, ठीक है। ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 हो गई और एनर्जी रेडिएटेड 7 कैलोरी पर सेकेंड है। हीट रेडिएटेड पर सेकेंड में एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, ठीक है। ये एक ये साइन हटा दो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी रेडिएटेड जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बाकी सारा एक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दिया 727 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हमें कितना एनर्जी रेडिएट करेगी। पहले कितना कर रही थी, 7 कर रही थी यार। हम सबको पता है कि ये जो टेम्परेचर जब हम यूज करते हैं, ये जो टेम्परेचर यूज करते हैं उसको हम केल्विन में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं। तो E डैश इज इक्वल टू E डैश इज इक्वल टू E इज इक्वल टू T डैश अपॉन T की पावर 4, ठीक है। तो ये तो T डैश इज इक्वल टू T डैश कितना कर दिए, 727 + 273 में ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 227 + 273, 270। इसका मतलब ये हुआ 7 × 2 = 9 और ये 1000 आ गया, 1000 और ये 500 आ गया, ठीक है। 5 200 300 400 तो ये कट गया और ये 2 टाइम्स आ गया और 2 की पावर 4 = 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई डैश आ जाएगा वो 16 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई ई। इसका मतलब ये हुआ कि 16 और ई की वैल्यू कितना है, 7, तो 16 × 7 = 112। इतना जो है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतनी हीट एनर्जी, मतलब बी ऑप्शन सही है ना, है ना। ये